हेलो, वेलकम बैक टू द लर्निंग फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. दिस इज डॉक्टर मौर्य. वी हैव टू लेक्चर्स ऑन प्रीपोजिशन, इंट्रोड्यूसिंग प्रीपोजिशन, एंड देन वी हैड वन लेक्चर ऑन फ्रेजल वर्ब एंड इडियम्स, फ्रेजेस एंड ऑल रिलेटेड टू प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन. टुडे वी आर गोइंग टू अनदर चैप्टर. Another chapter of preposition, that is the to see preposition in space. So let us see. First, we take line. So line has only direction. ये इसकी मोटाई भी नहीं होती और ऊंचाई भी नहीं होती, इसमें direction होता है. इस तरह से direction, line में direction होता है. तो अगर डायरेक्शन एक तरफ हो, अगर लाइन का डायरेक्शन एक तरफ है, तो उसमें जो है हम टू का प्रयोग करते हैं. अगर डायरेक्शन एक तरफ है तो टू का प्रयोग करते हैं, और अगर डायरेक्शन है एक तरफ है लेकिन उसको कहाँ जाना है ये पता नहीं, मतलब गंतव्य जगह पता नहीं है, कहाँ रुकना है ये पता नहीं है, तो वहां पर हम टूवर्ड्स का प्रयोग करते हैं. और जब हम डायरेक्शन जो है पीछे की तरफ होता है, तो यहां हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं. और जब किसी लाइन के पैरेलल में कोई गति होती है, तो वहां हम एलोंग का प्रयोग करते हैं. एलोंग का प्रयोग, तो दोस्तों ये देखिए कि अगर डायरेक्शन एक तरफ है तो टू का प्रयोग है, अगर डायरेक्शन एक तरफ है लेकिन उसको स्टॉप कहां करना है ये पता नहीं है, तब जो है वो टूवर्ड्स का प्रयोग होता है. अगर डायरेक्शन में स्टॉपेज का पता है तो टू का प्रयोग होता है. और फिर अगर डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है तब ये इसमें फ्रॉम का प्रयोग होता है. और पैरेलल अगर है तो यहाँ पर एलोंग का प्रयोग होता है. एलोंग का प्रयोग, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल. अब बहुत सिंपल ढंग से आपको समझा रहे हैं, इससे अच्छा और कोई कंसेप्ट प्रीपोजिशन का नहीं हो सकता. डायरेक्शन एक तरफ है, जैसे ये जा रहा है और यहाँ पर इसका स्टॉपेज पता है कि कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर टू का प्रयोग होता है. लेकिन जब स्टॉपेज पता नहीं है और वो चले जा रहा है, तो जरूर ये पता होगा कि किस तरफ जा रहा है. अगर किस तरफ जाने का इशारा है तो टूवर्ड्स का, जैसे ही इज गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन. ही इज गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन. ही इज गोइंग टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है. इट इज नॉट नोन दैट वेयर ही इज गोइंग, बट द डायरेक्शन इज देयर एंड इन फाइनाइट डायरेक्शन इज देयर. तो आपको यहाँ पर टूवर्ड्स का प्रयोग होता है. टूवर्ड्स का इसका मतलब है कि वो जंगल की तरफ जा रहा है, दैट इज गोइंग टूवर्ड्स फॉरेस्ट, या ही इज गोइंग टूवर्ड्स जंगल, जंगल की तरफ जा रहा है. अब जंगल को नहीं जा रहा है या जंगल में नहीं जा रहा है, पता नहीं है कि डायरेक्शन है लेकिन स्टॉपेज पता नहीं है, ऐसे स्थिति में ये होता है. और फ्रॉम का प्रयोग क्या है, लौटने के वक्त में होता है, जैसे ही सी इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल. सी इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल, वो
वो स्कूल से आ रही है, सी इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल। और ये स्कूल से आना मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, तब जो है फ्रॉम का प्रयोग होता है, सी इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द स्कूल। यहाँ फ्रॉम का प्रयोग होता है, यहाँ टू, और यहाँ टू का प्रयोग होता है। और जैसे अगर लाइन है और लाइन को पकड़ कर आप चल रहे हो तो अलोंग का प्रयोग होता है, जैसे ही इज गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक, ही इज गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक, ही इज गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक। वो रेलवे ट्रैक के साथ साथ जा रहा है, जैसे रेलवे ट्रैक है या नहर है कोई समझ लीजिए या रोड है, तो उसके अगर पैरेलल आप जब कोई गति करते हो तो वहां पर हमको अलोंग का प्रयोग होता है। तो आप देखिए लाइन से, लाइन के हिसाब से हम देख रहे हैं कि जब हम एक तरफ जब डायरेक्शन वन साइडेड होता है और स्टॉपेज होता है तो टू का प्रयोग होता है, और जब ये इसमें स्टॉपेज नहीं होता लेकिन डायरेक्शन होता है तब हम टूवर्ड्स का प्रयोग करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और जब पैरेलल जो गति होती है तो उसको हम किससे दिखाते हैं, अलोंग से दिखाते हैं। तो ये जो है लाइन से संबंधित है इस तरह से। अच्छा, अब पॉइंट होता है, ये प्रीपोजिशन का कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझे बिना आप प्रीपोजिशन नहीं समझ सकते। जैसे एक लाइन, एक ये तो लाइन हुआ, अगर हम इसको बोले ये पॉइंट, पॉइंट यह है तो पॉइंट में लंबाई चौड़ाई नहीं होता, ऊंचाई नहीं होता, सिर्फ एक एक स्पॉट होता है, जगह होता है। अगर पॉइंट से कोई प्रीपोजिशन है उसको हम बोलते हैं एट, एट। तो ये चीज ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जो है वो एक पॉइंट पर है, जैसे ही इज एट होम, ही इज एट होम, ही इज एट होम, ही इज एट होम। एट वर्क भी, एट वर्क, तो एट जो है ये पॉइंट बताता है, पॉइंट। अच्छा, टाइम के सेंस में भी जो है एग्जैक्ट पॉइंट को हम इससे डिनोट करते हैं, जैसे ही केम एट सेवन, ही केम एट सेवन एएम, तो सेवन घड़ी का पूरा है, तो घड़ी का एक एक पॉइंट जो है वो एट बताता है। तो एट जो है इससे इसका मतलब होता है कि कोई चीज जो है वो दिखाई देती है उसको। अच्छा, प्लेस के संदर्भ में भी अगर प्लेस दिखाना हो, जगह दिखाना हो, प्लेस दिखाना हो, तो अगर जैसे नक्शा है, नक्शा में कोई हम पॉइंट देख रहे हैं और उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वहां पर एट का प्रयोग होता है, और जब पॉइंट नहीं एरिया दिखाई देता है तो वहाँ इन का प्रयोग करते हैं। जैसे अब इसमें ये कॉन्सेप्ट है, जिसको कॉन्सेप्ट पॉइंट है, पॉइंट फिजिकली भी है, मेंटली भी है, और सिंबॉलिकली भी अगर माना जाता है तो हम जो है एट का प्रयोग करेंगे, और एरिया है तो वहाँ इन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वॉज बोर्न, I was born
एट वाराणसी, अगर आप बनारस को आप एक पॉइंट में देखें और भारत को एरिया के रूप में देखें तो ऐसे होता है कि एट वाराणसी इन इंडिया। तो जब दो प्लेस दिए होते हैं तो एक तो सर्टनली एक पॉइंट के रूप में दिखता है, एक प्लेस जो है वो सर्टनली आपको पॉइंट के रूप में दिखेगा। जैसे ये चीज़ है, ये चीज़ यहाँ पर और ये आपको पॉइंट दिख रहा, तो ये जो पॉइंट होगा और ये जो है, क्योंकि ये है इसको एरिया बोलेंगे, तो एरिया में जो है हम इनका उपयोग करते हैं और पॉइंट जहाँ है वहाँ हम एट का उपयोग करते हैं। आई थिंक डू यू गेट इट। आप इसी तरह से कंसेप्ट आप डेवलप करेंगे तो आपको अंग्रेजी आएगी, क्योंकि बोलने में हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं तो वो इसी सेंस में करते हैं कि हम एरिया देख रहे हैं कि पॉइंट देख रहे हैं या लाइन देख रहे हैं, तो इसी सेंस में हम उसको करते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी देखेंगे। एक चीज और बताते हैं, स्पेस। जैसे स्पेस जब हम कहते हैं तो स्पेस का मतलब होता है ये जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है। ऐसे जैसे इसको ऐसे बनाए और इसको ऐसे कर देते हैं, इसमें ये कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ये कर देते हैं, स्पेस ऐसे बनाए। ऐसे स्पेस बनाते हैं, जब ऐसे में स्पेस होता है, जगह होती है। जैसे ये घर है, मकान है, जो उसमें हवा है, उसमें लंबाई है चौड़ाई है, तो उसको स्पेस कहते हैं। अगर स्पेस में कोई चीज़ स्थिर है, कोई ऑब्जेक्ट है वो स्थिर है, वहाँ इनका प्रयोग होता है। जैसे द कैट इज इन द हाउस, द कैट इज इन द रूम, द कैट इज इन द रूम, द कैट इज इन द रूम। तो कैट जो है रूम में है। अगर स्पेस में कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जाए, ऐसे करती जाए, तब वहां पर जो है इंटू का प्रयोग होता है, इंटू का प्रयोग। जैसे द कैट जंप्ड इनटू वेल, द कैट जंप्ड इनटू द वेल, या द कैट जंप्ड इनटू द रूम, ऐसे हो सकता है। तो बाहर से कोई चीज जो है अंदर की तरफ मूवमेंट करें तो उसको जो है इनटू से प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। स्पेस के बाहर कोई चीज अगर है, जैसे आपका घर है और आपके घर के बगल में एक जो है इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल है, तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, देयर इज एन इलेक्ट्रिक पोल आउटसाइड ऑफ द हाउस, देयर इज एन इलेक्ट्रिक पोल आउटसाइड। अब ये जो हुआ ये बाहर का है, इसको हम आउटसाइड से दिखाते हैं, आउटसाइड। There is an electric pole outside the house, outside. तो in हो गया, into हो गया, outside. अच्छा, तो अच्छा, अब जैसे क्लास ले रहे हैं, कोई रूम है, तो एक आदमी कोई कह सकता है, classes are running inside the room, inside मतलब होता है
अंदर की तरफ, जैसे इन तरफ एक दीवार को लिए हुए या अंदर की तरफ जो है कोई चीज हो रहा है तो उसको बोलेंगे इनसाइड। जैसे क्लासेस आर रनिंग इनसाइड द क्लास, क्लासेस आर रनिंग इनसाइड द रूम, क्लासेस आर रनिंग इनसाइड द रूम, इनसाइड। तो आप हो गया इनटू इन, इनटू आउटसाइड इनसाइड। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन और ऑन, ऑन कहां प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग है सरफेस के लिए होता है। सरफेस पर अगर कोई चीज जो है वो स्थिर है या गतिहीन है तो हम उसको बोलेंगे ऑन। जैसे यहाँ पर कोई चीज है, यहाँ पर द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो अगर सरफेस है तो वहां ऑन का प्रयोग होता है। जैसे वी वेयर वॉकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, वी वेयर वॉकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म ऐसे करके होता है, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है प्लेटफॉर्म। तो वॉकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, वॉकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, जैसे ये चौक है, ये पीस ऑफ चौक है हमने कहा, तो देयर इज ए पीस ऑफ चौक ऑन माई पाम, हथेली पर ये चौक है। लेकिन जब ये सरफेस टूटता है, सरफेस टूटता है तब जो है वो, अगर सरफेस टूट कर उसमें समाने की कैपेसिटी आ जाए तो उसमें इन का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज पेन ऑन द ऑन माई पाम, और फिर अगर हम उसको ऐसे लेके दिखाएं देयर इज ए पेन इन माई हैंड, तो हैंड में क्या, ये समाने की शक्ति आ गई। इसमें समाने की शक्ति आती है तो इन का प्रयोग होता है। एट को तोड़ करके, जैसे ये सरफेस अगर तोड़ करके ऐसे घूमे तो जो है इन बन जाता है। डू यू फॉलो माई पॉइंट। जैसे कोई डिच है तो देयर इज ए स्टोन इन द डिच, डिच में एक पत्थर है, ऐसे इसको कर सकते हो। तो जो अंदर है, जैसे ऑन ऑन द हैंड इन द हैंड, जब ये टूटता है तो ये इन द, द पेन इज इन माई हैंड। क्यों, क्योंकि सरफेस जो है वो टूट गया, अब उसमें समाने की शक्ति आ गई तो उसको बोलते हैं इन। तो इन और ऑन ऐसे होता है, वॉकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, द बुक इज ऑन द टेबल। अच्छा, और देखते हैं एक, अच्छा अगर कोई एक लाइन है, अगर कोई कोई डिमार्केटेड लाइन है, कोई नोन सरफेस, या अगर हाँ सरफेस, सरफेस का कोई सरफेस है, ये सरफेस है, और इसको लाइन भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा इसके लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं है। एक डिमार्केबल लाइन में कह सकते हैं, ये डिमार्केबल लाइन कहते हैं। इसके ऊपर की चीज़ और इसके नीचे की चीज़ को क्या कहते हैं, ऊपर को एबव से, एबव से हम जो है इंडिकेट करते हैं, और नीचे को किससे इंडिकेट करें, बिलो से करेंगे। ठीक, जैसे कोई तैराक है तो तैराक को क्या करना होता है, तैरना होता है, तो तैरने के लिए उसको
अपना जो सर होता है पानी के ऊपर रखना पड़ता है, तो उसको कहेंगे ए स्विमर हैज टू कीप हिज हेड एबव द सरफेस ऑफ वाटर, एबव द सरफेस ऑफ वाटर। तो ए स्विमर हैज टू कीप हिज हेड एबव द सरफेस ऑफ वाटर, इसको बोलेंगे एबव द सरफेस ऑफ वाटर। एबव मतलब होता है एबव द सरफेस ऑफ वाटर। अब मैंने ये बताया था कि आप जो है इसके लिटरल मीनिंग पर नहीं जाएं, इसके मीनिंग से आप नहीं समझ सकते, इसके पोजीशन से आप समझ सकते हो। प्रीपोजिशन को अच्छा समझने के लिए प्रीपोजिशन का जो जेस्चर होता है, ये जो इसके एक्टिविटीज होते हैं स्पेस में, और उसको समझना बहुत जरूरी है। तो एबव का मतलब होता है सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर, और बिलो का मतलब होता है सरफेस के नीचे। जैसे यू कैन नॉट, नो वन कैन सी दिस फिल्म बिलो 18, नो यू कैन नॉट सी दिस फिल्म इफ यू आर बिलो, यू कैन नॉट सी दिस फिल्म if you are below, if you are below 18, and I'm sorry, you can see this film if you are not below 18, you can see this film if you are below 18, agar aap 18 ke niche नीचे हैं, 18 के नीचे हैं, मतलब 19 हैं 20 हैं तब जो है आप इस फिल्म को देख सकते हैं, 18 के नीचे हैं तो देख सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण देते हैं फिल्म के लिए, यू कैन नॉट हिट बिलो द बेल्ट। इन बॉक्सिंग देर इज अ रूल, यू कैन नॉट हिट बिलो द बेल्ट। आप जो ये बिलो है, एक डिमार्केशन लाइन है, ये बेल्ट है, इसके बिलो अगर आप हिट करते हैं तो फाउल मानता है, रेफरी का तक नहीं, इस पॉइंट को हम नहीं देंगे। तो यू कैन नॉट हिट एनीवन इन बॉक्सिंग बिलो द बेल्ट, तो बिलो द बेल्ट का मतलब हो गया नीचे। तो जैसे ही हैज ब्रोकन हिज लेग बिलो द नी, बिलो द नी का मतलब होता है घुटने के नीचे, बिलो द नी बिलो द नी का मतलब होता है घुटनों के नीचे, घुटनों के नीचे उसने अपना पैर तोड़ा है। बिलो मतलब घुटना जो है एक डिमार्केशन लाइन है, उसके नीचे उसके ऊपर की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह से आप वोटिंग हैं तो इतने तक एज है वोट देने का, उसके ऊपर है उसके नीचे है, ऐसे करते हैं। तो एबव और बिलो का आपने प्रयोग देखा, एबव मतलब होता है सरफेस के ऊपर, बिलो मतलब होता है सरफेस के नीचे, ठीक है, डाउन। अब हम देखते हैं एक और ओवर, जब ये कॉन्सेप्ट रहेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड कॉन्सेप्ट इन ग्रामर, एक्चुअली एवरीथिंग इज फिक्स्ड, लेकिन जब आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा तब आप जो है बोल भी सकते हो और लिख भी सकते हो, एंड यू कैन हैव फुल कमांड ओवर द लैंग्वेज। तो कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे हम ओवर के बारे में बता रहे हैं, ओवर के बारे में बता रहे हैं, तो ओवर का जो कॉन्सेप्ट है कि कोई ऑब्जेक्ट के साथ, कोई ऑब्जेक्ट के साथ अगर मूवमेंट हाफ सर्किल सेमी सर्किल बनाए, ऐसे सेमी सर्किल बनाए, तो उसको हम बोलते हैं ओवर। जैसे द वास्ट स्काई ओवर माई है, द वास्ट स्काई ओवर माई है, द वास्ट स्काई ओवर माई हेड,
ओवर, ओवर का मतलब होता है हाफ सर्किल, ऐसे जैसे हमारी धरती है और हम खड़े होते हैं तो लगता है कि आकाश जो है ये छतरी जैसा है, नहीं तो ओवर का प्रयोग उसी अर्थ में होता है। यहाँ पर जो है ओवर का प्रयोग होता है। एक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, जैसे गाय है, जब चांद निकला रहता है रात में तो पूरी रात होती है बिल्कुल चमकती हुई, चांद पूरा फुल निकला है और जो है गाय बंधी हुई है, तो द काउ जंप ओवर द मून, अगर गाय बिदकती है जिसको बोलते हैं, थोड़ा हिंदी में जाइए, बिदकने का मतलब उछाल करती है देख करके, तो वो उसको कहते हैं द काउ जंप ओवर द मून, द काउ जंप ओवर द मून। इसका क्या मतलब, चंद्रमा कहाँ है, गाय कहाँ है, तो कैसे जंप ओवर, इसका ये मतलब हुआ कि गाय जो है बिजकती है वो चांद को देख करके, तो वो एक सेमी सर्किल के रूप में वो बिजकती कूदती है, तो उसको बोलते हैं द काउ जंप ओवर द मून। आप गढ़वाली भी डाक सकते हैं, जंप ओवर द बाउंड्री, उसमें भी अगर ये कोई चीज़ है आप जो करते हैं तो आप सेमी सर्किल बनाते हैं, जब सेमी सर्किल बनाएंगे तो वहाँ पर जो है ओवर का प्रयोग होता है। अच्छा एक और आप देख लीजिए, जब किसी स्पेस में जब किसी वस्तु के साथ स्पेस में जब किसी वस्तु के साथ हम फुल सर्किल बनाएं, फुल सर्किल जैसे ये कोई वस्तु है इसके साथ जो है हम कोई फुल सर्किल बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं, तो उसमें कौन सा प्रयोग होता है, ये राउंड, राउंड, तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये समझ में आ गया, अर्थ चक्कर लगाना, किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ कोई चीज चक्कर लगाए तो उसको राउंड से व्यक्त करते हैं, जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। एक और बता देते हैं फिर इसके बाद कल ही बताएंगे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू माइट हैव वेरी फ्यू टीचर्स टीचिंग लाइक दिस, बिकॉज अनलेस यू हैव कॉन्सेप्ट, आई रिपीट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बहुत जरूरी है कि आपके पास प्रीपोजिशन जो यूज़ कर रहे हो अपने बोलचाल की भाषा में उसके प्रति कंसेप्ट होना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि अगर कोई स्पेस है, जैसे कोई स्पेस है, ऐसे कोई स्पेस है, ये स्पेस है, स्पेस से कोई गति करता है, कोई गति करता है कोई मूवमेंट होता है स्पेस में, और ये उसको आर पार कर जाता है, तब यहां पर इसका जो प्रयोग होता है थ्रू, तब जो है ये यहां पर थ्रू का प्रयोग होता है, थ्रू का मतलब होता है से, तो इसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पेस को पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट करने का मतलब इसका आर पार कर जाता है, तब ऐसी स्थिति जो बनती है उसमें हम थ्रू का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने कोई किताब ली है और इस किताब को हम शुरू से अंत तक पढ़ गए तो हम कहेंगे कि वी वेंट थ्रू द बुक, मैं किताब को शुरू से अंत तक पढ़ लिया, मीन्स दैट
जो एक्शन है वो बिल्कुल सीधे है, शुरू से अंत तक का है। जैसे आप परीक्षा पास करते हो, परीक्षा पास करने का क्या होता है, एक परीक्षा है और परीक्षा पास करने का मतलब आप परीक्षा दिए, रिजल्ट निकलने तक आप पास कर गए, तो वो क्या है, इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ पेनिटेशन ऑफ वर्क दैट यू डिड और यू गॉट सक्सेस। तो ही गॉट थ्रू का मतलब वो पास हो गया, ही गॉट थ्रू का मतलब हो गया वो परीक्षा में पास हो गया। तो जैसे अब आप ऐसे देखिए, और देखिए जैसे कोई आदमी खड़ा है और उसको कोई गोली से मार रहा है या बुलेट है, जो द बुलेट वेंट थ्रू हिज चेस्ट, 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 गोली उसके सीने से पार गई। तो थ्रू का प्रयोग जो है यहाँ पर होता है, थ्रू का प्रयोग बहुत होता है, आप देखते होंगे कि थ्रू का प्रयोग होता है, तो इसी सेंस में होता है। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि कोई स्पेस है और कोई स्पेस से कोई चीज़ जो है एक एक सिरे से जाना शुरू किया और दूसरे सिरे से निकल गई, चाहे सूर्य की किरण हो, चाहे कोई एक्शन हो, चाहे वो दिखता हो, चाहे वो दिमागी हो, चाहे सिंबॉलिक हो, लेकिन सब सब स्थिति में थ्रू का प्रयोग इसी सेंस में होता है। तो आई थिंक कि आपको अच्छा लगा होगा, तो और दूसरे लेक्चर में हम इसको और बताएंगे। फिर इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि फिक्स प्रूफ की पोजीशन क्या है, किसी शब्द के साथ कौन सा फिक्स पोजीशन, उसको ही बताएंगे। तो ये कल एक दिन और चलेगा, जो स्पेस में बता रहे हैं एक दिन और इस पर होगा, क्योंकि प्रॉब्लम इज विद द प्रॉब्लम ऑफ नॉट ओनली ग्रामर बट ऑल्सो योर कन्वर्सेशन। सपोज अगर आप पढ़ते हो तो आपको बोलना भी ज़रूरी है, तो बोलने के लिए एवरी टाइम यू विल नॉट कंसल्ट व्हाट वी कॉल प्रीपोजिशनल डिक्शनरी, अनलेस यू हैव, इफ़ यू हैव कॉन्सेप्ट यू कैन बाय एंड लार्ज विल बी करेक्ट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग एज वेल। तो दैट्स ऑल फॉर टूडे, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज शेयर एंड प्लीज इंकरेज, इफ यू सब्सक्राइब यू विल गेट डेली वन वीडियो, न्यू वीडियो, एंड आई एम इन द प्रोसेस एंड दिस विल बी ए लास्टिंग प्रोग्राम। तो दैट्स ऑल फॉर टूडे, थैंक यू।